वेलकम बैक टू माय अदर वीडियो। कैसे हो आप सभी, उम्मीद करती हूँ काफी अच्छे होंगे। सो अभी आप देख रहे हो कि गाड़ी में हूँ मैं। ऑफ कोर्स अब ज्योति भी तो बोलेगी, तूने पहले इतने भी, तेरे को पता है, ऑडियंस को पता होगा गाड़ी में हूँ, बट गाड़ी नहीं होगी। पार्क में तो सीट बेल्ट लगाता नहीं है कोई। इसका कभी बेचारी का व्लॉग कम्प्लीट नहीं होता ना, क्योंकि ये बोलती वो चीज है जो नहीं बोलनी चाहिए। तो यार मैं हूँ ही ऐसी यार, अब कितना बनावटी करूँ, नहीं कर सकती। जो मैं हूँ वही मैं आपको दिखाती हूँ। और अभी हम ना चंडीगढ़ तक जा रहे हैं, क्योंकि तो तक बहुत दुख हो रहा था, नहीं होती कि अपन गाड़ी में बैठी है, तो अभी ठीक हो गया मूड और रिस्क ले ही लिया हमने, इसलिए चाहे तालाब में तैरना पड़े चंडीगढ़ जाके फिर हम तो जाएंगे। सही बात है। तो आज मैं आपको ये दिखाऊंगी कि हमने ट्रेवल किया है रोहडू से लेके चंडीगढ़ तक, ठीक है। क्या क्या हम खाते हैं, मेकअप आर्टिस्ट, बड़ा अच्छा लगता है कोई मेकअप आर्टिस्ट के साथ घूम रहे बचपन में ना ऐसे वीडियोस देखते थे, तो वैसे देखते थे वाओ यार वाओ, क्या पता अपने घर में एक बंदा पैदा हो जाएगा ऐसा सा, है ना। यहाँ देखो पैदा हुआ नहीं था, पैदा कराया गया जबरदस्ती पिट पिट के। ज्योति तू बन सकती है, वो मैं एक लोग और थे मैं इतना भाईयात मेकअप करती थी, फिर भी बोलती वाह वाह क्या करती है वो, माय गॉड मेरे बराबर तो कोई करता ही नहीं है। सही बात है, सही बात है। और ज्योति के मेकअप करने सीखने के बाद ना 50 लोगों ने मेकअप सीखने की कोशिश की, बट भाई 10 दिन का कोर्स करते हैं वो मेकअप आर्टिस्ट बन जाते हैं, सच में बनते हैं ज्योति, लॉल कर दिया। तो गाइस हम आए हैं अभी सिड्डू खाने, और आज बारिश है इसलिए हम बाहर नहीं बैठेंगे, अंदर बैठेंगे। तो गाइस सबसे पहले हमारे रास्ते में ही ये सिड्डू वाले अंकल होते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा फेमस है। अब तो इनकी शॉप के साथ काफ़ी सारी दुकानें भी खुल गई है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा यमी बनाते हैं। ये पहचाने जाते हैं यहाँ के सिड्डू से, जो कि नमकीन और मीठे बहुत ज़्यादा यमी होते हैं। इनकी स्टफिंग भी बहुत ज़्यादा अच्छी होती है, चाहे मोमोज़ की बात कर लो। तो हमने यहाँ पे मोमोज टेस्ट किए, जिसका टेस्ट काफ़ी अच्छा था, और चटनी में थोड़ा सा मुझे ऐसा लग रहा था कि मतलब एक खट्टी खट्टी सी लग रही थी, और मैगी देखने में अच्छी नहीं थी लेकिन खाने में बेस्ट थी। गाइस यहाँ से देखो पूरा आधा शिमला दिख रहा है, ये क्या है, कौन सा है, संजोली। तो गाइस जो सामने आपको इतना बड़ा होटल दिख रहा है ना, यहाँ पे पहले किसी टाइम पे ढांक हुआ करती थी, जिससे डायरेक्ट नीचे जब दिखता था तो बहुत डर लगता था, लेकिन आज के टाइम में यहाँ पे एक होटल है काफी बड़ा। जब आप पहाड़ों पे सफर करते हो ना, तो इस चीज का बिल्कुल ध्यान रखना है कि ऊपर से कोई स्टोन वगैरह ना गिर जाए। फाइनली गाइज अब पहुंच गए हम पंचकुला के, झूठ बरगला रही है लोग, बार 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 बार। तो गाइज अभी लैंडस्लाइड के लिए झूठ बोल रही है, कभी झूठ चंडीगढ़ पहुंच गए झूठ बोल रही है। गर्मी बहुत ज़्यादा गर्मी है, बट ये कि बारिश हो रही है तो इसलिए गर्मी थोड़ी कम है, बट है। शक्ल आप हमारी देख सकते हो कैसे हो गया ब्लैक। अब हम जाते हैं डम्पलिंग हुड, जो कि है फूड के लिए काफ़ी ज़्यादा फेमस। यहाँ के जो मोमोज है वो भी काफ़ी ज़्यादा फेमस है, तो हमने वो भी ट्राई किए। हमने ऑर्डर किया था हक्का नूडल्स और लेमन जूस वगैरह, जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छे थे खाने में। उसके बाद हम निकलते हैं लेक के लिए। तो काफ़ी सारे लोग हमने यहाँ देखे ना, पेंटिंग वगैरह कर रहे थे, काफ़ी ज़्यादा टैलेंटेड लोग हैं यहाँ पे, फ़ोटो देख के पेंटिंग वगैरह कर रहे हैं। तो गाइज अभी हम आए हैं मोमोज से,
गोलगप्पे खाने। तो गाइज इसके बाद हम गए जनता मार्केट जो कि है 3V1 में, और यहाँ पे काफ़ी सारे क्लॉथ थे, मतलब अच्छी मार्केट है शॉपिंग के लिए। बट यहाँ पे थोड़ा सा ना ये मेरे को लगा कि पहले के अकॉर्डिंग थोड़ी महंगी है। अब कहाँ हम अभी आए हैं 3V1 जनता मार्केट, यहाँ पे स्ट्रीट फूड लगा है तो मोमोज भी ट्राई कर लेते हैं गाइज। हमने ना बहुत ज़्यादा बाहर का खाना खा लिया था और हमारा पेट बिल्कुल फटने के लिए तैयार था, तो गाइज हम कॉलोनी में पहुँचे हैं। गाइज हम यहाँ पे आ गए, बहुत सुंदर घर है यार, मज़ा आ गया देख के। बट पहुँचे अच्छा, टीगढ़ के फ्लैट गाइस ऐसे होते हैं, है ना। चेंज वगैरह कर लेते हैं, बिस्तर में लिया हो कि क्या करती रहती है। तो गाइज अभी हम घर पहुंच गए हैं और अभी हम रेस्ट कर लेते हैं। रूम में दिखाती हूँ जहाँ पे हम रुक रहे हैं अभी, वो हम करने वाले हैं यहाँ पे स्टे। ये है रूम, ज्योति और मैं यहाँ पे सोएंगे, और ये टीवी वाला एरिया, यहाँ पे कपड़े वपड़े बहुत हैं इन लोगों के। तो गाइज ये देख सकते हो, ये है यहाँ का दूसरा रूम जो कि यहाँ पे सिर्फ बेड है, ये चारों तरफ से लगे ताकि कर्टन वगैरह अगर आप लगाना चाहो। और यहाँ पे है सीलिंग जो कि बहुत ही सिंपल सोबर दी गई है, फैन है, एसी है और बेड है। बाथरूम आप लोगों ने देख लिया है, तो यहाँ से भी बाहर शायद बालकनी वगैरह होगी। तो गाइज अभी हाथ मुंह वॉश करके मैं फ्री हो गई हूँ, अब चलते हैं बाहर की तरफ। कहाँ है दरवाज़ा भाई? तो गाइज अभी अपने ब्लॉग को यहीं पे ख़त्म करती हूँ। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी, अच्छी लगी प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अभी के लिए इतना ही, बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।